शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम सभी संगठन का कोशिकीय स्तर इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आकृति तक कर लिया था, यानी कोशिका की आकृति के विषय में हमने जानकारी ली थी। चलिए देखते हैं कोशिका के आकार के विषय में। कोशिका का आकार इसके कार्य से प्रभावित होता है, यानी कि सेल्स जो होते हैं वो उनका आकार जो होता है वो क्या फंक्शन करते हैं उस पर डिपेंड करता है। सूक्ष्म कोशिकाओं को केवल उच्च शक्ति के सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, यानी कि ये जो सेल्स होते हैं बहुत ही सूक्ष्म यानी कि छोटे जो होते हैं उनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जाता है। बृहद कोशिकाएं आकार में सूक्ष्म कोशिकाओं की तुलना में बड़ी होती हैं। देखते हैं कैसे। पहला, जीवाणु की लंबाई सामान्यतः 10 माइक्रोमीटर से कम तथा आयतन 1 घन माइक्रोमीटर होता है। दूसरा, एक सामान्य जंतु कोशिका का आकार लगभग 1000 से 2000 घन माइक्रोमीटर होता है। हमारे शरीर में कुछ लाल रक्त कोशिकाओं का आकार 7 माइक्रोमीटर होता है। यहाँ आप इन दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। तीसरा, हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं लंबाई 105 सेंटीमीटर यानी कि जो सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, उसकी लंबाई 105 सेंटीमीटर है। इसमें पहला है लघुतम कोशिका 0.1 माइक्रोमीटर और ये माइक्रोप्लाज्मा प्लूरोनिमोनिया इनमें मिलता है। दूसरा है वृहत्तम कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा तंत्रिका कोशिका इनमें मिलता है। चलिए अब जानते हैं कोशिका की संरचना के बारे में, यानी उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। विभिन्न कोशिकाएं शरीर के विभिन्न भाग में बनती हैं। सभी कोशिकाओं की आकृति भी भिन्न होती है। कोशिका झिल्ली जेली की तरह के द्रव को घेरे रहती है, जिसमें विभिन्न आकार व आकृति के अंग होते हैं। ये अंग कोशिका के कार्यों में सहायता करते हैं। कोशिका में उपस्थित जीवित पदार्थ को जीव द्रव कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका जो होती है वो कई तरह की होती है, कई उसके प्रकार होते हैं, कई प्रकार के होती हैं, और ये हमारे शरीर में कई अलग अलग आकृति की होती हैं और इनके सबके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। कोशिका झिल्ली जेली के तरह के पदार्थ को घेरती है। अब आप यहाँ देखिए, ये एक सेल है, इसमें कई तरह के अलग अलग आकार और आकृति के अंग पाए जाते हैं, और इसमें ये जो आप देख रहे हैं बीच में हिस्सा, ये जेल होता है, ठीक है, फ्लूड होता है। कोशिका के संरचनात्मक अंग निम्नलिखित हैं। अब हम जानते हैं इसमें जो जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। पहला है कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में बाह्य आवरण अर्धकठोर निर्जीव व रक्षात्मक होता है। तो ये जो सेल होता है उसके बाहर का जो हिस्सा होता है बच्चों, वो बहुत अर्धकठोर यानी कि पूरी तरह से हार्ड नहीं होता है, निर्जीव यानी कि इसमें कोई लाइफ नहीं, और दूसरा रक्षात्मक होता है, ये प्रोटेक्ट करता है किसको, जो इसके अंदर प्रेजेंट है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह सेलुलोज से बनी होती है और ये किससे बनी है, सेलुलोज से। इसका श्रवण कोशिका द्वारा ही होता है। यह कोशिका भित्ति को दृढ़ता व सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि जितनी भी चीजें अंदर हैं उनको ये एक सुरक्षा देती है। दूसरा है कोशिका झिल्ली, इसे प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली आप ये देख सकते हैं, ये है, ठीक है, यहाँ भी देखिए ये वाला हिस्सा, इसको क्या कह सकते हैं, प्लाज्मा लेमा। यह पादप तथा जंतु कोशिका का रक्षात्मक आवरण होता है। जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल, उसमें क्या है, रक्षात्मक आवरण यानी कि बाहर का गार्ड करने वाला एक वॉल है। यह कोशिका की सीमा बनाती है तथा कोशिका में जेली की तरह के कोशिका द्रव को घेरती है। तो इसका काम क्या है, जितना भी अंदर जेली होता है, फ्लूड होता है, उसको ये रोक के रखती है। यह एक दो परती रचना होती है। जंतु कोशिका में यह बाहरी झिल्ली होती है, एनिमल सेल में ये बाहर का आउटर कवरिंग होता है, जबकि पादप कोशिका में प्लांट सेल में यह बाहर से कोशिका भित्ति द्वारा घिरी होती है। ये कोशिका भित्ति उससे भी घिरी हुई होती है, उसको भी प्रोटेक्ट करती है। तीसरा देखते हैं कोशिका द्रव। यह द्रव मुख्यतः कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन से बना होता है, यानी कि आप बीच में जो येलो हिस्सा देख रहे हैं ये
कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। कोशिका द्रव कोशिका में पाया जाने वाला जली की तरह का पदार्थ होता है। यह कोशिका झिल्ली तथा केंद्र झिल्ली के बीच में पाया जाता है। कोशिका द्रव की बाहरी परत को बाह्य कोशिका द्रव तथा आंतरिक दानेदार परत को अंतः कोशिका द्रव कहते हैं। बच्चों, कोशिका द्रव जो होता है वो जेली लाइक होता है, ठीक है। और ये कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली आप देख रहे हैं यहाँ पे है, ये कोशिका झिल्ली और ये जो है केंद्र, केंद्रीय झिल्ली, इसके बीच में मिलता है, ठीक है। और कोशिका द्रव की बाहरी परत को, इसकी जो बाहरी परत होती है उसको बाह्य कोशिका द्रव कहते हैं और अंदर दानेदार परत को अंतः कोशिका द्रव के नाम से जाना जाता है। कोशिका द्रव को भी दो भागों में बांटा जाता है, पहला है कोशिकांग और दूसरा है मैट्रिक्स। तो इनके बारे में भी जानते हैं। कोशिकांग कोशिका के छोटे अंग होते हैं, यानी सेल्स के भी छोटे छोटे हिस्से को हम कोशिकांग कहते हैं, जो कोशिका द्रव में निलंबित होते हैं, यानी कि ये जो कोशिका द्रव है इसमें पाया जाता है। लैटिन भाषा में ऑर्गन्स का अर्थ उपकरण होता है जो कि विभिन्न कार्य करते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, इसे पढ़ें और समझें। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।